वेलकम बैक फ्रेंड्स, लर्न इट वन क्लिक चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि एसएससी ने अपने ऑफिशियल साइट पर एसएससी सीजीएल्स रिगार्डिंग नोटिफिकेशन जारी किया है कि हाँ आंसर की कब वो लॉन्च करने वाले हैं। तो एसएससी सीजीएल ये बता रहे हैं कि लगभग 43 बैचेज इस बार टोटल में एग्जाम कंडक्ट हुआ है 5 अगस्त से लेकर 23 अगस्त 2017 को, और लगभग 15 लाख स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए एसएससी सीजीएल के एग्जामिनेशन में। तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, जो भी मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप नोटिफिकेशन एसएससी की ऑफिशियल साइट पर भी जाकर देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक मेंशन किया हूं, आप वहां से भी क्लिक करके साइट पर जा सकते हैं। तो एसएससी सीजीएल 18 सितंबर को रिस्पांस की जारी करने वाला है अपने साइट पर, जो कि ssc.nic.in है। और वहां उस साइट पर जाकर आप अपना रोल नंबर एंड पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको रिस्पांस की मिल जाएगा। आप डाउनलोड कीजिए, फिर वेरीफाई कीजिए एसएससी के आंसर जो उन्होंने मेंशन किया है उससे। अगर उसमें आपको कोई भी खामियां मिलती है तो आप उसके रिगार्डिंग चैलेंज कर सकते हैं। पर चैलेंज जो चार्ज है 100 रुपीज। ओके फ्रेंड, तो एसएससी लास्ट ईयर से ऑनलाइन जब से पेपर हुआ है तो एसएससी रिस्पांस की जारी करता है और इंडिविजुअली रिस्पांस की जारी करता है आपको। आप इंडिविजुअली अपने रिस्पांस की को मैच कीजिए, सेटिस्फैक्ट्री आंसर आपको उस रिस्पांस के अगेंस्ट में अगर दे रहे हैं तो आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर देना होगा जिससे एसएससी सेटिस्फाई हो। और पर चैलेंज 100 रुपीज आंसर है। ओके फ्रेंड्स, तो एसएससी के एग्जामिनेशन जो 5 अगस्त से लेकर 23 अगस्त को हुआ, उसमें लगभग 15,43,962 कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया। इस बार कोई भी क्रिमिनल केसेस नहीं मिला, कहीं भी एग्जामिनेशन कैंसिल नहीं हुई है। टोटल 43 बैचेज में एग्जाम कंडक्ट हो गया है, ओवर हो चुका है। बहुत सारे वेबसाइट्स, बहुत सारे वीडियोज एसएससी कटअप के प्रिडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी तैयारी जारी रखिए। प्रिपरेशन कभी भी लॉस नहीं होता, आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट होगा। अगर आपका प्रीमी नहीं भी होता है या फिर आप थोड़े से नंबर से छूट जाते हैं तो प्रिपरेशन जारी रखिए एसएससी टायर 2 के लिए। ओके फ्रेंड्स, देखिए सिर्फ कटअप क्लियर करना बड़ी बात नहीं होती है, कटअप क्लियर करने के बाद मेरिट लिस्ट में बनना सबसे बड़ी बात होती है। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जब सारे एग्जाम में कटअप क्लियर कर लेते हैं लेकिन मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाते हैं। तो आप अभी से प्रिपरेशन जारी रखिए, खासकर एप्टीट्यूड है इंग्लिश की। ओके फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को। और 18 सितंबर को एसएससी सीजीएल अपना नोटिफिकेशन जारी कर रहा है। आप नोटिफिकेशन मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी क्लिक करके पढ़ सकते हैं या फिर एसएससी सीजीएल के ऑफिशियल साइट पर भी जाकर देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स, स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। अगर जो भी इस वीडियो पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। ओके, बाय बाय।